गाजियाबाद के कोतवाली घंटाघर क्षेत्र में आज जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने संयुक्त रूप से ऑपरेशन चलाकर गन हाउस की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया। एडीएम सिटी शैलेंद्र कुमार और एसपी सिटी मनीष मिश्रा ने भारी पुलिस बल के साथ गन हाउस की दुकानों पर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान अधिकारियों ने दुकान मालिकों से सेल से रजिस्टर और कारतूस की जानकारी ली। बाबा गन हाउस पर अधिकारियों को कई खामियां मिली जिसके लिए एक टीम गठित कर जांच शुरू कर दी गई है। क्या पाया है आज यहाँ इस दुकान में? सब एक दूसरे से कनेक्ट है। ये इनकी जो कॉल डिटेल पाई गई है तो व्हाट्सएप कॉल पे भी उसको सेल कर रहे हैं। प्रॉपर जो रूल है हम 200 तक कार्टेज दे सकते हैं, इनको बेचने की छूट है, बट उसमें प्रॉपर इनका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए जो कि बहुत अच्छा नहीं पाया गया। दूसरा ये है कि जिनको ये सेल कर रहे हैं उसका कोई नंबर नहीं है, जिससे कि जैसा एसपी सिटी साहब तुरंत बात करना चाहे तो ये नंबर देने में असमर्थ है। फिर जिसके बदले में एक कार्टेज पहले खाली लेना होता है उसके बाद देना होता है, उसको इन्होंने एक बोरी में बना रखा है जिसको हम ये गेस नहीं कर सकते कि आज का है कि कल का है कि दिया किसने है। मान लीजिए कभी इस टाइप से कोई इशू आ जाए कि आपने कहाँ से कितनी मात्रा में रख रखा है तो वो बताने में ये असमर्थ है। तीसरा, चीज़ों का रख रखाव बहुत अच्छा नहीं पाया गया। इसके अलावा एक नई चीज़ ये पाई गई कि 315 बोर तक का ये बाहर बालू का रेत बना रखे हैं और यहाँ अलाउ नहीं है, प्रोहिबिटेड हो गया ये एरिया, बट उस पर ये टेस्ट करते हैं तो जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग है। तो और बहुत सारी अनियमितताएँ पाई गई हैं तो उसका इसी के माध्यम से भी एक टीम अलग से करके आशंका व्यक्त की जाए कि जो अपराधी कारतूस यूज़ करते हैं इसी तरीके से उनको मिल जाते हैं, क्या इस बात में प्रबल संभावना नज़र आ रही है आपको? बिल्कुल, इसी टाइप के लूपोल्स हैं जिनके माध्यम से भाई। और फिर सेल के लिए व्हाट्सएप कॉल की ज़रूरत क्या है? आप तो कोई भी आम आदमी आके ले सकता है जिसको लाइसेंस जारी है प्रॉपर वे। फिलहाल इनका हम अलग से एक टीम बना के परीक्षण करा रहे हैं और उन चीज़ों को अभी हम अपने कस्टडी में ही रखेंगे, तो उसके बाद जैसा होता है आपको सूचना मिलेगी।